हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, और ये AJMR के वाक्य हैं। तो इसमें काफ़ी सरल वाक्य हैं आपके लिए, ताकि आपको AJMR अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे आगे, उसके बाद AJMR लगेगा, फिर कर्ता। नॉट नहीं आता है वाक्य में तो नहीं की अंग्रेजी हम नॉट लगा देंगे कर्ता के बाद, और नहीं अगर नहीं आएगा तो हम नॉट नहीं लगाएंगे, इसके बाद पूरक लगेगा। जैसे देखिए पहला वाक्य है, तुम कैसे हो। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द है कैसे। ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जैसे कैसे, क्यों, कहाँ, तो ये इसकी अंग्रेजी सबसे आगे आएगी, कैसे की अंग्रेजी। कैसे यानी कि हाउ। उसके बाद देखिए इज एम या आर लगना है, तो ये कर्ता के अनुसार लगेंगे। कर्ता बहुवचन होगा तो आर लगेगा, आई होगा तो एम लगेगा, एक वचन होगा तो इज लगेगा। अब कर्ता है देखिए तुम यानी कि यू, तो आर लग जाएगा पहले, हाउ आर, और उसके बाद देखिए कर्ता, कर्ता है तुम तो यू। इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। अगला, वह परेशान क्यों है, तो प्रश्नवाचक शब्द देखिए फिर आएगा। क्रम देखते जाना हमें, पहले प्रश्नवाचक शब्द, क्यों की अंग्रेजी वाय, और उसके बाद देखिए अब कर्ता के अनुसार एज, तो कर्ता है वह है, तो पहले एज लगेगा, वह के अनुसार वह की अंग्रेजी ही, वाय इज ही, और परेशान की होती है अपसेट। क्वेश्चन मार्क, Why is he upset? आगे राजू कहाँ है, प्रश्नवाचक शब्द फिर आगे आएगा। देखिए कहाँ की अंग्रेजी वेयर, उसके बाद इज आएगा, क्योंकि कर्ता क्या है राजू, राजू के अनुसार इज। Why is वेयर इज राजू। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला देखते हैं, राजू इस समय कहाँ है। देखिए वही वाक्य है, लेकिन इसमें एक चीज़ और जुड़ गई, इस समय, तो इसकी अंग्रेजी कहाँ लगेगी, सबसे पीछे। पहले हम प्रश्नवाचक शब्द लगाते हैं आगे, कहाँ यानी कि वेयर, और उसके बाद क्रिया लगेगी इज, राजू, वेयर इज राजू, और इस समय यानी कि इसकी पूरी की अंग्रेजी होती है एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, वेयर इज राजू एट दिस टाइम। तुम उदास क्यों हो, तो प्रश्नवाचक जो शब्द है वो पहले आएगा वाय, और उसके बाद क्रिया लगेगी। अब देखिए करता है तुम यानी कि यू, तो यू के अनुसार आर, वाय आर, तुम की यू, और उदास की अपसेट भी होती है और सैड भी होती है, वाई आर यू सैड। वाय इतना परेशान क्यों है, तो प्रश्नवाचक शब्द पहले क्यों वाय, फिर इज लगेगा क्योंकि कर्ता वह है, तो वह के अनुसार इज, अब कर्ता आ जाएगा वाय इज ही, इतना कि सो परेशान, इतना परेशान इकट्ठी आएगी, इतना कि सो परेशान की अपसेट। क्वेश्चन मार्क, वाय इज ही सो अपसेट। मैदान में कितनी लड़कियां हैं, तो कितनी के साथ संबंध शब्द आता है, कितनी लड़कियां, तो लड़कियों को गिन सकते हैं, इसलिए कितनी की अंग्रेजी आएगी हाउ मैनी। जिसको गिन नहीं सकते हैं, जैसे पानी और दूध, तो हाउ मच लगाते हैं, लड़कियों की गर्ल्स, हाउ मैनी गर्ल्स। अब लड़कियां बहुत सारी हैं, तो क्रिया पहले लग जाएगी बहुवचन की आर। अब देखिए कर्ता जो है वो पीछे लिखा हो जब क्रिया के पास बिल्कुल, तो ऐसे में हम कर्ता देयर को बनाते हैं, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर, मैदान में कि इन द फील्ड। क्वेश्चन मार्क, आगे यह किसकी गाड़ी है, तो किसकी के साथ भी संबंधित शब्द आता है, हुज मीन्स किसकी, और किसकी और गाड़ी, मतलब दोनों की अंग्रेजी एक साथ लगेगी, हुज बाइक। इसके बाद क्रिया आएगी इज, और यह की अंग्रेजी दिस, प्रश्नवाचक चिन्ह, हुज बाइक इज दिस। तुम्हारी पुस्तक कौन सी है, तो कौन सी, विच मीन्स कौन सी, प्रश्नवाचक शब्द आ गया। फिर इज लगेगी,
क्योंकि कर्ता है तुम्हारी पुस्तक, तो इसी के अनुसार इज क्रिया आ गई, तुम्हारी पुस्तक यानी कि योर बुक, विच इज योर बुक। आगे तुम कौन हो, प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है कौन की हु, और कर्ता तुम है तो उसके अनुसार तुम यानी कि यू, यू के अनुसार हमने आर लगा दी और तुम की यू, हु आर यू। इसके बाद है तुम कहाँ हो, इसको आप अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए और कमेंट कीजिए, अगर आपका वाक्य सही होगा तो मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।